आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप सोनीग्रा है और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्लीव्स में ये वाली जो पट्टी हमने लगाई है डबल कलर की अलग अलग, वो फिनिशिंग से कैसे लगाते हैं और ये जहाँ कहीं भी ऐसे सीधा कपड़ा हो और वहाँ डबल या तीन चार कलर, जितने भी कलर के ऐसी अलग अलग पट्टी लगानी है फिनिशिंग से, तो कैसे लगाते हैं वो ये दो के ऊपर से आपको पता चल जाएगा। तो आइए आप देखते हैं ये पट्टी कैसे लगाते हैं। स्लीव्स में डबल पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले ये हमारे स्लीव्स है, इसको हमने यहाँ से मोड़ लिया है दोनों स्लीव्स को, और ये जो पट्टी हमको लगानी है दोनों, वो 1.25 इंच चौड़ी कटिंग की हुई है। ये दो पट्टी ये है और दो पट्टी ये है, दोनों कलर की एक दो दो पट्टी है एक एक स्लीव्स के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि ये दोनों पट्टी को एक बार यहाँ से जॉइंट लगा देना है। और एक जितनी ही सिलाई लेनी है, कम ज़्यादा सिलाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बराबर नहीं होगा। इसके लिए दोनों में एक जितनी ही सिलाई लेकर जॉइंट लगा देना है। दोनों स्लीव्स के लिए है, इसके लिए दोनों में एक एक पट्टी में ऐसे जॉइंट लगा देना है पहले। और ये जॉइंट हो जाने के बाद हमारे पास जो भी कलर का ऊपर का धागा लगा हुआ हो, उसी साइड ये वाला जॉइंट रख के एकदम धारी पे सिलाई लगानी है। और इसमें खास ध्यान रखना है कि इधर उधर आगे पीछे नहीं हो जाए, एकदम सीधी सिलाई ही लगनी चाहिए, तब भी फिनिशिंग दिखेगा। और यहाँ से ये दोनों पट्टी को ऐसे खोल लेना है, ऐसा लगे तो यहाँ पे नाखून लगा लेना है तो ये बराबर आएगा। यहाँ ऐसे हो जाएगा, पट्टी थोड़ी सी लूज रह जाएगी अगर, तो फिनिशिंग बिगड़ जाएगा। इसके लिए पट्टी को दोनों को यहाँ से ही ऐसे खींच के ही रखना है, लूज नहीं छोड़ना है, मतलब ऐसे ये अंदर बिल्कुल ऐसे नहीं, कोई भी वो अंदर नहीं जानी चाहिए, मतलब ऐसे सब जितना कपड़ा है वो पूरा बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये हमारी दो कलर जॉइंट हो गए हैं। अभी हम इसको तो मोड़ दिया है, तो इसके ऊपर ही इसको लगा देंगे, ये वाली पट्टी को यहाँ से मोड़ के ये आधा इंच ये दिखेगी और आधा इंच दूसरी वाली पट्टी दिखेगी। ऐसे सब जगह से एक जितना ही मोड़ना है, कम ज़्यादा नहीं हो जाए मोड़ना है, वो ध्यान रखना है। ऐसे ही दूसरी बाई स्लीव्स में भी ये ज़्यादा जो बचा है उसको काट देना है और दूसरी स्लीव्स में भी ऐसे ही लगा देना है। वो स्लीव उसमें जितना हमने मोड़ा है उतना ही इसमें भी मोड़ना है। और यहाँ पर भी जो बचा है उसको कटिंग कर देना है। अब ये दूसरी साइड भी मोड़ना है, लेकिन इसमें ये वाला धागा हमको लगाना पड़ेगा, तो इसका मैचिंग धागा लगा लेते हैं। ये मैचिंग धागा लगाने के बाद अब हमने ये वाली पट्टी जितनी मोड़ी है इसको भी उतना ही मोड़ना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, तभी एकदम परफेक्ट दिखेगा ये। और पीछे से थोड़ा हाथ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
और दूसरी साइड भी ऐसे ही, और दूसरी साइड भी ऐसे ही पट्टी लगा दे, मोड़ देनी है जो लगाई हुई है हमने वो। तो ये बहुत ही आसान है, ये फिनिशिंग से लगाना कुछ इतना मुश्किल नहीं है। एक ध्यान रखना है कि पट्टी एक जितनी मुड़नी चाहिए और सिलाई सीधी आनी चाहिए, तो अपने आप ही बराबर आ जाएगा। देखिए ये बराबर हो गया है। अभी इसको एक हम यहाँ पे मिडल का निशान करके यहाँ पर ये वाला जो बटन है हमारा वो लगा देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए उसमें पट्टी कैसे लगाते हैं डबल, उसके लिए वीडियो बनाया था मैंने। इसका गला बनाने का वीडियो मैंने अलग बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ मैंने ये नहीं बनाया, इसलिए उसकी पैटर्न में रखूँगा इसके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।